वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग की स्टार्टिंग में दोपहर के 3:30 बजे से कर रहा हूँ। मौसम का अपडेट क्या है सो देख लो। ये देखो, करीब 3-4 दिनों से ऐसे ही बादल छाए हुए हैं और बारिश होती है, थोड़ा बहुत बारिश हो रही है हल्का फुल्का। मौसम तो सुहाना कर रखा है और गर्मी थोड़ी कम हुई है कुछ दिनों से। अभी 3:30 बज रहे हैं दोपहर का। अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने। खाना खाने के बाद मम्मी एक चीज़ बना रही हैं, उसका नाम क्या है कि हमारे यहाँ उसको बोला जाता है पैराकी या पिरिकिया, और वो कैसे बनता है क्या सब होता है वो भी दिखाऊंगा। पहले खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देख लो गाइस, खा लेता हूँ। भिंडी की सब्ज़ी है, 2 तरीके का चिप्स है, चावल है और ये रहा दाल। खा लेता हूँ, खाने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देख लो गाइस, बारिश फिर से शुरू हो गई है। इधर से देखो, खिड़की खुला हुआ है, सारा खिड़की पे हवा तेज होने के कारण सारा खिड़की से अंदर आ रहा है। पानी से लगा देता हूँ, बंद कर देता हूँ। सारा खिड़की से पानी अंदर आ गया। बरसात तो ऐसे हो रही है यार, तेज बरसा नहीं होती। 3-4 दिनों से ऐसे ही कर रखा है पर तेज बारिश नहीं हो रही है। तेज बारिश हो तभी तो मज़ा आएगा। ब्लॉगर ऑफ द ईयर मुझे ही मिलना चाहिए फ्रेंड्स। ये देख लो किस चीज़ का कर रहा हूँ शूट। ये बनता कैसे है गाइस वो देख लो। ये रहा मैदा, इसे गोल करके टुकड़ा में काट लेते हैं। ये देखो गाइस, ये है सूजी भुजा हुआ है और इसमें चीनी मिलाया हुआ है और नारियल है, बादाम है, किशमिश और इलायची है डाला हुआ टेस्ट के लिए। और इसको क्या करते हैं कि भरते हैं, किस इसको भरते हैं कैसे, ये जो गोल वाला था इसको ऐसा करते हैं पूरी के जैसा, देखना ये हुआ तैयार। अब देख लो, एक मम्मी कर रही हैं। ये रहा, और इसमें से 1 चम्मच उसमें डाल दिया साइड करके। ये रहा पानी से भिगा कर, ये चिपकने में मदद करता है, अच्छे से पैक हो जाता है। ये देख लो, उस वाले को बंद कर दिया कस के, और ये जो बाहर का आटा मैदा है, सॉरी ये मैदा निकला हुआ था उसे निकाल दिया। अब ये बनेगा कैसा सो देख लो। ये रहा, ये फुल्ली पैक हो गया है। ये देख, चलो मैं भी बनाता हूँ। ये देख लो, इसमें 1 चम्मच डाल दिया, इसको साइड करके हल्का हल्का दबा देना है जिससे कि एक जगह पे रहे, और पानी से इसके किनारे को गीला कर दिया जाता है ताकि चिपकने में मदद करे।
था एक इसमें गाइस, और देखो मैंने पैक कर दिया, अब निकालने का इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं पक्का कंफर्म हुए मिलेगा मुझे ही बाल वाला, देख लेना। मम्मी का हेल्प कर दे रहा हूँ, अकेले मम्मी बेचारी क्या क्या करेगी, उधर वो बेल भी रही है, छानना भी है, तो मैंने सोचा चलो भर देता हूँ कम से कम। ये देख लो कितना सारा है, अभी जब पूरा ये बना लूँगा उसके बाद से फिर कितना होता है टोटल वो दिखा दूँगा आप लोगों को। ये देख लो ये एक बनकर रेडी हो गया है, ये रहा और थोड़ा नीचे में है और उधर पेपर पे है। अभी ये कच्चा है, इसको क्या करना है कि इसको लेकर के फिर इधर ये रिफाइंड ऑयल है उसमें डालकर इसको पकाया जाता है। पकाने के बाद फिर से कैसा लगेगा सो देखना आप लोग। ये देख लो फ्रेंड्स, जब फाइनली ये बन जाता है, तल कर तैयार हो जाता है तो ऐसा दिखता है। ये खाने को अब रेडी है, ये देख लो। उनका क्या हाल चाल है सो देख लो यार, शाम के 6 बज रहे हैं, दिखा रहा हूँ। ये देखो उधर से कॉर्नर से बादल आ रहे हैं, काला बादल देखो। ये रहे, वैसे तो धूप निकला हुआ था दोपहर तक, अभी शाम के ऐसा हो रहा है, बादल छा रहे हैं, पर बारिश हो तब तो यार बारिश ही नहीं होती। देख लो थोड़ा बहुत होती है, नीचे सारा ज़मीन सूखा हुआ है। ये देखो वहाँ पे गड्ढा है जिस कारण से पानी भरा हुआ है। आप बताओ आप लोग के शहर में, आप लोग जिस जगह पे रहते हो वहाँ बारिश हो रही है कि नहीं, कमेंट में बताना यार नीचे। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, इसी फ़ोन से एक वीडियो को एडिट करना है, वो एडिट कर लेता हूँ। कल मैं इस ब्लॉग को एंड नहीं कर पाया था फ्रेंड्स, तो चलो आज करते हैं। एंड करने से पहले तो वीडियो के बारे में दिखाने का खास रीज़न क्या था सो क्या कहते हैं कि अभी तो मैं दोपहर का खाना खाया था यार, खाना खाने के बाद मैं सो गया था, नींद आ गई थी फ़ोन देखते देखते, और अभी जस्ट उठा हूँ, 6 बजने वाले हैं करीब के। और वो वीडियो दिखाने का मतलब था कि वो जो नाम जिसका है पिरिकिया या पुरुकिया या पैराकी, ये सब अब बनना बहुत कम हो गए हैं, जिस रीज़न से मैं दिखा रहा था। ये पहले घर घर में बनाए जाते थे यार, गांव में
गांव का मैं बता रहा हूं, यहां का क्या है शहर का रूल वो नहीं पता, पर पहले गांव में हर किसी यहां करीब बन ही जाता था, पर अब नहीं बनता है। तो ये पुराना था, पुराना क्या ही बोलूँ, एक प्रकार का घर में बनने वाला शुद्ध मिठाई कह सकते हो इसको। हालांकि बाज़ार में भी बिकते हैं, पर घर का जो बना हुआ होता है वो तो आपको पता ही है 100% शुद्ध होता है। और उसमें जो सूजी डाला हुआ था, उसका जो बीच में भराता है मसाला था, उसके जगह पे कुछ लोग खोआ भी भरते हैं। अब जिसकी जैसी कैपेसिटी होती है वो वैसा करते हैं। मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियोज पसंद आ रहे हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लेना। बाय बाय।